तो गाइस हम भी वापस जा रहे हैं क्योंकि दुकान सारी बंद है। और ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान बंद है, हमने सारी दुकान देख ली है, सारी दुकानें बंद है। तो गाइस कोहली आ गया स्ट्राइक पे, 99 पे खेल रहा है। अंजू तैयार रखी हूँ माचिस। चलो 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 चलो। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है संडे और आज मैं जाने वाला हूँ फिर से पटाखे लेने के लिए, जिसके लिए मोनू मामा भी साथ में आने वाले हैं। और आज होई भी है, तो होई का फास्ट रखा हुआ है बुआ ने। तो मेरे घर में संजू बैठी है, जिसके बारे में संजू बताएगी। संजू, तो गाइज आज हमारे घर में होई अष्टमी की पूजा, उसके लिए बुआ ने फास्ट रखा है। ये फास्ट रखा जाता है बच्चों के लिए और ये तारे देख के खोला जाता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि हमारे घर में कैसे पूजा की जाती है। हाँ, तो गाइज पटाखे लेने जाने वाला हूँ मैं 1 या 2 बजे के बीच में, और मोनू मामा भी आने वाले हैं, हम साथ में ही जाएंगे पटाखे लेने के लिए। चलते हैं, देखते हैं कैसे पटाखे मिलते हैं, और फिर बाद में आपको दिखाएंगे कि होई का व्रत भी कैसे रखा जाता है, जो कि बुआ रखने वाली है आज घर में। गाइज अब भजन गा रही है। सामने ही रहना ये अम्मा ने भजन गा दिया। कैसा लगा अम्मा का भजन? सही है। अब बखेड़ा फैलाएगी। अब चाची बखेड़ा फैलाएगी। मेरा काम है, मैं तो वाली सेट करूंगी। फैलाएगी। अंजू तू चलेगा पटाखे लेने? हाँ, मैं भी चलूंगी। चाची तू चलेगी पटाखे लेने के लिए? घर पर है कि पूजा करूंगी। और गाइस मुझे भी अभी नहाने के लिए जाना है, उसके बाद ही मैं जा पाऊंगा पटाखे लेने के लिए। वो आज व्रत है, मेहंदी रच गई। तो गाइस पापा ने खरीदा है फ्रिज का कवर और एलईडी कवर। कितने का लिया वंश? कितने का लिया? 200 रुपए के। 200 के दोनों। तो गाइस बुआ लाई है माला और दिया, अब बुआ करेंगी पूजा की तैयारियाँ। तो गाइस बुआ कर रही है पूजा की तैयारी, इसके बाद मैं सुनाऊंगी बुआ को कथा। तो गाइस अभी हो रही है घर में पूजा और हम जा रहे हैं पटाखे लेने के लिए। मैंने सुबह आपको बताया भी था, और मोनू मामा अभी आ गए हैं, और अंशु भी आ गया और पवन भी जा रहा है। तो हम 4 लोग जाएंगे पटाखे लेने के लिए अभी थोड़ी देर में फरक नगर की साइड। तो आपको दिखाएंगे भी वहाँ पे हम कैसे पटाखे खरीदते हैं, कौन सी दुकान पे जाते हैं। तो गाइस लास्ट टाइम मोनू मामा गए थे तब इन्होंने वीडियो नहीं बनाई थी, इन्होंने बोला था परमिशन नहीं थी वीडियो बनाने की। इस टाइम मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी दिखाऊं वीडियो बनाकर। और वो शॉप कहाँ पड़ती है, कितनी दूरी पे है? हाँ, और वो शॉप कहाँ पड़ती है, कितनी दूरी पे है, सब दिखाएंगे आज। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पटाखे खरीदने के लिए फरक नगर। बाय बाय। बंद है क्या? पूछे, एक मिनट, गार्ड खड़ा होता था यहाँ पे, पता करें। इनसे पूछते ना, बंद है क्या? ये भी बंद, वो भी बंद, कोई भी नहीं खुला हुआ। चलो फिर वापसी चलो, आज बंद है। कौन नहीं उठाएगा? ये दुकान भी बंद है, हमने बहुत सारी दुकान देखी। तो फाइनली गाइज हम 2-3 जगह पे होकर आए हैं, ये लास्ट शॉप थी, और इससे पहले भी आपने देखा होगा सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, क्योंकि दिल्ली में पटाखे बैन है, इस वजह से आज से दुकानों को बंद कर दिया गया है। और सब लोग वापस जा रहे हैं गाइस, जितने भी लोग हमने देखे ना, सारी दुकानें बंद है। एक ऐसा नहीं है कि एक दुकान बंद है, सारी दुकान बंद है। इस टाइम पे फरक नगर में बहन है, अगर कोई लेने आने वाला है तो ना आए तो बढ़िया है, क्योंकि बंद हो चुका है ये सब। बंद है सब, ये भी आए हुए खरीदने के लिए। चलो वापिस चलना पड़ेगा। और क्या, ढूंढ ढूंढ के सारी दुकानें देख ली हमने, कुछ नहीं है, तो फाइनली खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो गाइस ये दुकान थी जहाँ से मैंने लिए थे लास्ट टाइम 2 हफ्ते पहले, अरे उसका था, लेकिन अब ये दुकान बंद हो गई। क्या हुआ भाई पवन? बैड लक टुडे। क्या कह रहे हैं?
ये कह रहे हैं कि दो दिन बाद खुलेंगे क्योंकि इनका जो लाइसेंस का टाइम होता है वो ख़त्म हो गया, मतलब दिवाली से पहले इन्होंने टाइम मांगा होता है, जैसे छोटी दिवाली तक बेचने हैं तो, लेकिन इनको कोर्ट से नोटिस आ गया तो इसलिए बंद हो गया है। कल ये कोर्ट जाएंगे मंडे को, और ट्यूसडे से कह रहे हैं कि खुल जाएगा। भाई देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं, पीछे भी हैं, सब पटाखे लेने आए हुए हैं और दुकानें सारी बंद हैं। ये भाई भी लेने आए थे पटाखे, भाई सारे लोग वापस जा रहे हैं। चलें, चलो यार, चलाओ तुम चलाओ। दो दिन बाद परमिशन मिलती है तो फिर आते हैं, पहले कांटेक्ट कर लेंगे कि हाँ जी शॉप खुली है कि नहीं खुली है, इनका नंबर जैसे दे रखा है। नहीं अब बंद ही रहेगी सब, मेरे को अब नहीं खुलेगी, कोर्ट आगे परमिशन देगा वाइन क्रैकर्स, क्योंकि जिस हिसाब से पॉल्यूशन है दिल्ली का तो नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है, पॉल्यूशन ज़्यादा है इस बारी का, नहीं करेंगे। तो गाइस हम भी वापस जा रहे हैं क्योंकि दुकान सारी बंद है, और ये ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान बंद है, हमने सारी दुकान देख ली है, सारी दुकानें बंद है क्योंकि कोर्ट से पीछे से ऑर्डर आ गया है और सारी पटाखे की दुकान बंद है। चलो भाई फाइनली गाइस हम लोग फरक नगर से आ गए, और आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, समझ गए होंगे कि क्या हुआ है। वहाँ पे सारी शॉपें बंद थी क्योंकि कोर्ट ने उनको नोटिस भेजा हुआ था पोल्यूशन की वजह से, तो परमिशन लेने के लिए कल वो कोर्ट जाएंगे, कल मंडे है तो कल ही कोर्ट खुलेगा, और उसके बाद परसों अगर हो सका पॉसिबल, अगर परमिशन दे देती है कोर्ट तो परसों से खुल जाएंगे। तो अभी पटाखों की सारी मार्केट बंद थी क्योंकि आपने देखा भी, तो अभी हम पटाखे नहीं ले पाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमने इतनी मेहनत की है गए, लेकिन क्या करें किस्मत में नहीं था तो नहीं मिली। मैच चल रहा है अभी तो सुरेश अय्यर आउट हो गया, कोहली तो मार देगा सेंचुरी, सेंचुरी मार देगा, आज बर्थडे उसका मारेगा, आज बर्थडे भाई कोहली का, वैसे हम भी चाहते हैं कि मारे क्योंकि भाई फैन है यार कोहली के। गाइस कोहली का शतक होने वाला है, और एक रन ले लिया, बहुत ही बढ़िया, कोहली आ गया 98 पे खेल रहा है, मार दे, नहीं ओ सिंगल ले लिया, दो दो नहीं सिंगल लिया। तो गाइस अगर कोहली ने सेंचुरी मारी ना तो हम फोड़ेंगे काई शॉट, ये आ गया कोहली, कोहली आ गया भाई, तो गाइस कोहली आ गया स्ट्राइक पे 99 पे खेल रहा है। तैयार रखी हूँ माचिस, हो गया ये, चलो हो गया चलो। तो गाइस कोहली ने सेंचुरी मार दी है और हम सब ने स्काई शॉट के सेलिब्रेशन कराए, ये कोहली की सेंचुरी। तो गाइस आज सुबह आपने देखा बुआ ने होई की पूजा करी, उसके बाद हम मोनू मामा के साथ रखनगर पटाखे लेने गए जहाँ पे हमें पटाखे नहीं मिले और हम खाली हाथ वापस आए, और फिर हमने विराट कोहली के शतक पे पटाखे फोड़े। तो आज का दिन हमारा ऐसा था। तो गाइज अब टाइम आ गया है इस वीडियो को एंड करने का, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।